गंगा दशहरा के दिन मां भगवती रंगेश्वर मैया किया गया भव्य श्रृंगार। रंगेश्वर मंदिर भोलेनाथ व मां काली का है। यह मंदिर करीब 800 सालों से अधिक पुराना है और वलसाड जिले के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। रंगेश्वर वाले भगत जी का कहना है कि आज दशहरा का पर्व है और दशहरा के पर्व के दिन पूजा पाठ करने से दशो दिशाओं के रास्ते खुल जाते हैं और भक्त अपनी आस्था लेकर आते हैं। माँ की असीम कृपा व आशीर्वाद के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। मंदिर आए हुए एक भक्त ने बताया कि माँ का मेरे ऊपर इतना आशीर्वाद है कि जब से माँ ने मेरा हाथ पकड़ा है तब से मेरे सभी दुख दूर हो गए हैं। अभी कुछ ही साल पहले मेरे पिताजी का एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया था जिनकी बचने की उम्मीद नहीं थी, परंतु माँ के आशीर्वाद की वजह से आज वह जीवित है। दशहरा का दिन है और दशहरा के दिन में दसो दिशाओं के कहते ना, थोड़ा सा पूजन करने से, पूजा पाठ करने से दसों दिशाओं के सारे रास्ते खुले चले जाते हैं। व्यक्ति अपने आप ठाकुर जी के पास पहुंच जाता है कृपा कर लेने के लिए, और माँ की ऐसी कृपा होती है मेरे भोलेनाथ, मेरे रंगेश्वरी मैया और मेरी चामुंडा मैया जी पर आज इतना बड़ा कार्यक्रम है कि आप देखेंगे, दर्शन करेंगे तो माई की कृपा से आपके मन खुश हो जाएगा। तो मैं सभी भैया दशहरा के, आज दशहरा के त्योहार पर मैं सभी से निवेदन करूंगा, माई की कृपा से, रंगेश्वरी माई, रंगेश्वर बाबा के चरणों की कृपा से सब लोग प्रसन्न, खुश और अपने घर में परिपूर्ण हो करके रहे। बोल सच्चे दरबार की जय। नैना अग्रवाल कहाँ की रहने वाली है? मैं मथुरा। आज रंगेश्वर मंदिर पे आपके द्वारा पोशाक चढ़ाई गई है और आज दशहरा का पर्व है जो काफी बड़ा दिन माना जाता है। हाँ जी बिल्कुल। क्या कहेंगी माँ के लिए? माँ के लिए कुछ भी कहना ना, शब्द नहीं है मेरे पास माँ के लिए कुछ भी कहने के लिए। आज मैं जो हूँ, मेरा परिवार जो है, वो माँ की दया से है। 2 साल पहले मेरे पिताजी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। 21 दिन मेरे पिताजी ने होश नहीं संभाला था। मैया जी की कृपा थी, मैया जी का पाल जल था जो 21 दिन तक उन्हें मिला, और उसके बाद आज मेरे पिताजी बिल्कुल स्वस्थ है। आज मैया जी के दरबार में पोशाक चढ़ा रहे हैं। आज मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, जिस मुकाम पे हूँ, मैं, मेरा भाई, मेरे पापा, जो भी हैं, इस भगवती की कृपा से। एजुकेशन पूरी ना हो पाने की रीजन से भी आज मैं भगवती की कृपा से लाखों कमा रही हूँ। आज ये जो है बस इसी की कृपा है मेरे परिवार पे। जो भी करवा रही है वो ये करवा रही है। मैं एक फाइनेंस मैनेजर हूँ एक MNC कंपनी में, और नोएडा में रहती हूँ। मैया जी ने मेरा बहुत साथ दिया। जहाँ किस्मत नहीं चली वहाँ इसने हाथ पकड़ा, जहाँ लोगों ने डराया वहाँ इसने हाथ पकड़ा। इसने जिंदगी भर साथ दिया है। लोगों ने सुनाया होगा बट इसने नहीं सुनाया कभी। मैं इसके गुणगान गाना कभी नहीं छोड़ सकती। इसने बहुत दिया है मुझे, मेरे परिवार को, मेरे भाई बहन माँ बाप सबके लिए इसने बहुत कुछ किया है। तो हम इसके लिए बोल, दिन सुबह से रात हो जाएगी खत्म नहीं होगा हमारे लिए। तो हमारे लिए देरी पे चौकट पे सर पर झुकाना बहुत बड़ी चीज है। देखिए आज बहुत पावन पर्व है गंगा दशहरा, जो आज गंगा जी अवतरित हुई थी पृथ्वी पर, आज के दिन अवतरित हुई थी। तो और दूसरी बात, आज रविवार का दिन पड़ रहा है, माँ भगवती का वार हमारे रंगेश्वर पर दरबार लगता है, बहुत शुभ दिन है आज। आज के दिन कोई भी शुभ कार्य आदमी करता है, दान पुण्य जो भी कुछ करता है, तो उसके 10 गुना उसका पड़ता है। 10 दिशाओं में आज सारे मतलब दिशा में महकती है। कोई भी आज शुभ काम आज के दिन करेगा तो बहुत अच्छा उसका फल मिलता है। मंगला यतन यूनिवर्सिटी 1.5 दशक से शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा। 70 एकड़ में फैला 8,000 विद्यार्थियों व 150 योग्य व अनुभवी शिक्षकों के साथ मथुरा अलीगढ़ के बीच बेसवा में स्थित UGC द्वारा NEK+ ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय मंगला यतन यूनिवर्सिटी।